फिल्मी गानों के लेखक डॉक्टर राहत इंदौरी कोविड 19 व अन्य बीमारियों के चलते इंदौर के अरविंदो अस्पताल में 2 दिन पूर्व भर्ती किए गए थे, जहां बीते दिनों उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंगलवार को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास उनकी हालत बिगड़ी और करीब 4:30 बजे उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में अंतिम सांस ली। डॉक्टर राहत इंदौरी की मौत की पुष्टि करते हुए अरविंदो अस्पताल के प्रबंधक राजीव सिंह ने बताया कि उन्हें मल्टीपल डिजीज व कार्डियक अटैक से संभवतः उनकी मौत हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर इंदौर ने कई मशहूर शायरी के साथ ही फिल्मी गाने भी लिखे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी की शायरी जगत व बॉलीवुड में एक अपनी अलग पहचान थी, जहां उनकी 70 वर्ष की आयु में मौत के बाद उनके चाहने वालों में शोक की लहर व्याप्त है। राहत इंदौरी साहब हमारे यहाँ पे परसों रात में संडे के नाइट में 8 से 9 के करीब यहाँ पे आए थे और उस समय भी इनकी स्थिति गंभीर ही थी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, सांस लेने की प्रॉब्लम थी, तो हमने सस्पेक्टेड कोविड करके एडमिट किया था और उसी रात में सैंपलिंग के लिए हमने भिजवा दी थी RT-PCR के लिए। और कल उनकी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई है तो हमने इनको रेड जोन में शिफ्ट किया है और कंटिन्यू ये ICU में ही है। वहाँ से भी ICU में थे और कंटिन्यू ICU में ही शिफ्ट हुए हैं और इनकी हालत आज करीब 1:30 बजे के करीब कार्डियक अरेस्ट आई थी। और इनके कोमॉर्बिड कंडीशन बहुत ज़्यादा है, इनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन रहा है, ओल्ड CAD है, तो कोमॉर्बिड कंडीशन ख़राब होने के वजह से कोविड पेशेंट में ज़्यादा मोर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं और ये आज करीब 4:30 के करीब इनकी मृत्यु हो गई है। इनके परिवार के कोरोना पॉजिटिव की हमें सूचना नहीं है, हमारे यहाँ कोई फिलहाल एडमिट नहीं है, इसकी सूचना हमें नहीं है। आपका परिचय सर? राजीव सिंह, अरविंदो हॉस्पिटल जनरल मैनेजर। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक Twitter and you can also follow us on Instagram.